अकोला की, जहां पर खदान परिसर के हैदरपुर में पारिवारिक रंजिश के चलते दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शमसाबाद बी नामक महिला पर चाकू से हमला कर दिया गया। महिला को जिला सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही खदान पुलिस के थानेदार धनंजय सारे, SDOP सुभाष दूधगावकर और सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले से जुड़े दो आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोनों ही गुट आपस में करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनमें कई दिनों से मतभेद चल रहा था। कल तारीख 21 अक्टूबर को खदान पुलिस स्टेशन के एरिया में हैदरपुरा यहाँ दो गुटों में झगड़ा हुआ और चाकू से किसी महिलाओं को मारा गया, ऐसी हमें खबर मिली। उस खबर के बेस पर पुलिस घटनास्थल पर इमीडिएट पहुंचकर पता चला कि जख्मी शमशाद बी नाम से जो महिला थी, उसकी उम्र 40 साल है, रहना हैदरपुरा, उनको GMC में एडमिट कराया गया था। वहाँ जाकर पता चला डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन खदान में FIR किया गया है, जिसके तहत तीन आरोपी के खिलाफ 302 का FIR हुआ है, जिसमें जावेद शेख और उसकी पत्नी आसमा शेख, इनको दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकी तफ्तीश चालू है। और ये घटना जो हुई है, छोटे बच्चे के घर में आने जाने की वजह से इनके उस पर से बार बार झगड़े होते रहे, उसी के चलते इनका कल झगड़ा हुआ है। और ये दोनों भी रिश्तेदार है, इनकी आपस में बनती नहीं थी, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, आरोपी अरेस्ट हुए, एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस